जब हम तला भुना ज्यादा खाते हैं या फिर हम जब मूंगफली जो ग्राउंडनट्स होते हैं उनका सेवन बहुत अधिक मात्रा में कर लेते हैं, तो ऐसे में हमारे बीपी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, बीपी हाई रहने लगता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कह देते हैं, और हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस भी हमको होने लगती हैं, हृदय से संबंधित दिक्कतें भी हमको होने लगती हैं। ऐसे में मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट आता है, एक ड्रग आती है जो इन सभी दिक्कतों में काफी फायदेमंद है। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, और जो मार्केट के अंदर ये ड्रग या ये फॉर्मुलेशन अवेलेबल है इसका नाम है एटॉरविन 40 mg टैबलेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम एटॉरविन 40 mg टैबलेट के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, ये काम कैसे करता है, कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके कॉम्पोजिशन से। जो एटॉरविन 40 mg टैबलेट होता है इसके अंदर एटॉरवास्टाटिन नाम का एक स्टैटिन ड्रग होता है जो कि 40 mg होता है। अब बात करते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर एक HMG-CoA रिडक्टेज होता है, मतलब 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A, अब ये बेसिकली उसके HMG-CoA रिडक्टेज को कंप्लीटली इनहिबिट कर देता है। कौन? एटॉरवास्टाटिन। यानी कि जो हमारा एक कन्वर्जन होता है HMG-CoA रिडक्टेज का, किसमें? मेवलोनेट में, मेवोलोनेट में, तो ये उसके कन्वर्जन को रोकता है, उससे बचाता है, जिसकी वजह से जो ये स्टैटिन ड्रग है यानी कि एटॉरवास्टाटिन, तो ये कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को रोक देती है हमारे लीवर में और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कहां कहां पर किया जा सकता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको कम करता है, मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, और जो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे कह देते हैं, उसको ये बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है। हाइपरटेंशन में यूज की जाती है, यानी कि जब बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, बीपी बढ़ने लगता है, और जो भी हमारी हार्ट रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, हृदय से संबंधित रोग होते हैं, उन सभी दिक्कतों में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसे हमें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो इस टैबलेट को दिन में एक बार लेना होता है, यानी कि अगर आप इसे सुबह में ले रहे हैं तो आपको अपना शेड्यूल इस तरीके से रखना है कि डेली आप इसको सुबह में लेंगे, दिन में ले रहे हैं तो फिर दिन में लेंगे, रात में ले रहे हैं तो फिर रात में लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह, एक दिन दोपहर और एक दिन शाम। जो भी डोज आप लेंगे, जिस भी टाइम लेंगे, डेली आपको इसी तरीके से लेनी है। और ध्यान दीजिएगा, इस ड्रग को लेते वक्त ना तो आप इसे चबाएंगे, ना इसे क्रश करेंगे, और ना इसे तोड़ेंगे, अन्यथा ये खराब हो जाएगी, इसका कुछ भी असर नहीं होगा। और या फिर जो डोज आपको डॉक्टर बताएगा उसके अनुसार आपको डोज रखनी होती है। अब बात कर लेते हैं कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। जब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले आप इसका लेबल अच्छे से पढ़ लें, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, कभी भी सनलाइट से एक्सपोज ना करें, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, और जो डोज आपको डॉक्टर बताएगा उससे ज्यादा डोज आपको नहीं लेनी है। जब आप इस दवा का सेवन करेंगे तो आपको शराब भी नहीं पीनी है, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेशन पे हैं उनको इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है, जो डॉक्टर आपको सलाह देंगे उसके अनुसार आपको फिर इस्तेमाल करना है इस ड्रग का। मना करते हैं तो नहीं लेनी, और अगर डोज बताते हैं तो फिर उसी के अनुसार आपको डोज लेनी होती है। आज की इस वीडियो में हमने एटॉरविन 40 mg टैबलेट के बारे में पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन्स के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।